क्या आप जानते हैं विटामिन सी फायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदेह कैसे हो सकता है? विटामिन सी शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो धूप से हमारी त्वचा की रक्षा करता है, बॉडी में इम्यूनिटी बनाए रखता है, वायरल इन्फेक्शन से भी सुरक्षा करता है, कोलेजन सेल्स को बिल्ड करने में भी बहुत ही असरदार है, त्वचा के पिगमेंटेशन को हल्का करता है, मांसपेशियों को हेल्दी रखने का काम करता है, गम ब्लीडिंग में भी विटामिन सी उपयोगी होता है। वैसे तो विटामिन सी के काफी सारे फायदे हैं। विटामिन सी के फायदे प्राकृतिक फूड के साथ में क्या हैं? आइए जानते हैं। बढ़ती उम्र के साथ एमिनो ग्लाइकोलीन एसिड कम होने लगता है। विटामिन सी त्वचा में नमी बनाए रखता है। कैल्शियम और आयरन की अब्सॉर्प्शन में भी विटामिन सी काफी हेल्प करता है। विटामिन सी एंटी हिस्टामिन है, एलर्जी को होने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखता है, स्ट्रेस फाइटर हार्मोन्स एड्रिनलिन को भी सही मात्रा में सिक्रेशन के लिए हेल्प करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, अस्थमा को कंट्रोल करके बॉडी में उत्पन्न होने वाले हिस्टामिन का प्रोडक्शन कम करता है, लंग्स को क्लीन करने का काम भी करता है। आइए जानते हैं विटामिन सी की कमी के क्या लक्षण होते हैं। गम ब्लीडिंग हमेशा विटामिन सी की कमी के कारण नौजवानों में पाई जाती है। कोल्ड सेंसिटिव विटामिन सी का एक प्रमुख लक्षण है। इसकी कमी से एलर्जी बार बार होती है, हमेशा आँख नाक की बीमारियाँ होती रहती हैं, घाव बहुत धीमी गति से भरता है। विटामिन सी की कमी से आँखों में मोतिया यानी कि कैटरेक्ट जो कि बूढ़े लोगों में अक्सर हो जाता है, कॉक स्क्रू शेप में बाल हो जाते हैं, बालों का झड़ना शुरू रहता है। विटामिन सी के कारण ये सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि विटामिन सी किस किस में होता है। खट्टे स्वाद के फल जैसे आंवला संतरा अंगूर नींबू स्ट्रॉबेरी कीवी और प्लम के अलावा कटहल एप्पल टमाटर बनाना पुदीना मूली हरा धनिया पालक रेड पेपर इन सभी में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बहुत होती है जो विटामिन सी का एक एग्जांपल है। या सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन सभी से विटामिन सी हमें काफी मात्रा में मिल जाता है। आइए जानते हैं अब विटामिन सी को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि कैसे हम विटामिन सी को बहुत ज्यादा काम में ले सकते हैं जिससे कि नुकसान ना हो। विटामिन सी त्वचा को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करके बॉडी के टिश्यूज को डैमेज से बचाता है। नेचुरल एक्सफोलिएटर होने के कारण स्किन को काला होने से रोकता है, बढ़ती उम्र को रोकता है, डाई त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, त्वचा को जवान बनाता है, कोलेजन सेल्स को बनाने के लिए विटामिन सी प्रोत्साहित करके त्वचा को मुलायम और प्लमी बनाता है। 20 से 50 साल की उम्र के पुरुष 90 मिलीग्राम विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि डॉक्टर से परामर्श के बिना आप कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। विटामिन सी को ज्यादा लेने से किडनी स्टोन बन सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है या बार बार यूरिन आ सकता है। विटामिन सी का यूज कैसे करना है इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। विटामिन सी के सीरम को क्लीन त्वचा पर लगाना होता है, साथ ही सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलें। सीरम नेचुरली अंदर जाकर स्किन के टिश्यू को ठीक कर देता है। सीरम का पीएच लेवल 3.5 के आसपास हो तो जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। सीरम को कभी भी रेटिनॉल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। रेगुलरली अगर विटामिन सी इस्तेमाल करना हो तो ये 5 जूस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनमें की विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आंवला और तुलसी का जूस, आंवले में ढेर सारा विटामिन सी होता है जो आँखों के लिए लाभदायक होता है। आयुर्वेद में इसे एक सुपर फूड भी बताया गया है। एशगार्ड और कुकम्बर जूस यानी कि पेठा
और खीरे का जूस। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक एल्कलाइन डेटॉक्स की तरह काम करता है। ऑरेंज जूस पाचन शक्ति बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर के फ्री रेडिकल्स को संतुलन में लाता है। एप्पल जूस हार्ट को मजबूत बनाता है, कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। टोमेटो जूस त्वचा को कोमल और मुलायम बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सभी चीजें सीमित मात्रा में लेना ही फायदेमंद होती है। किसी भी चीज को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।